ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग ने देखा था, ठीक है, डिजिटल कन्वर्जन हम लोग पूरा देख रहे थे, ठीक है, बिट वाइज डिजिटल कन्वर्जन होता है। इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे थे, पोलार, नॉन पोलार, ठीक है, इस टाइप का कन्वर्जन हम लोग ने देखा था, ठीक है, डिजिटल एनकोडिंग, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर, ठीक है, तीन चीज़ हम लोग देखे थे। ठीक है, यूनिपोलर में क्या क्या था, एन आर जेड, सॉरी पोलर में कहाँ आ गया यूनिपोलर, ठीक है, यूनिपोलर में दो चीज़ थी, ठीक है, सॉरी पोलर में आते हैं अपन, एन आर जेड एल और एन आर जेड आई, ठीक है, फिर होता है आर जेड मतलब रिटर्न टू ज़ीरो, फिर होता है बाई फेस, उसमें होता है मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है, समझ में आ गया था सबको, ठीक है। देन आते हैं हम लोग बाईपोलर में, बाईपोलर में ए एम आई, बी एड जेड एस और एच डी बी थ्री, ठीक है, ए एम आई मतलब होता है ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, ठीक है, बी एड जेड एस मतलब होता है बाईपोलर 8-0 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 8-0 अगर पैटर्न में आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे इस सीक्वेंस में असाइन करते हैं, ठीक है, पोलारिटी उसके असाइन किया जाता है, ठीक है। देन आता है एच डी बी थ्री, हाई डेंसिटी बाईपोलर थ्री, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ जीरो जो रहता है वहाँ का उसका पोलारिटी चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये था डिजिटल कन्वर्जन या फिर डिजिटल एनकोडिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पे, ठीक है, अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मींस क्या होगा कि मान के चलो स्क्रीन दिख रही है सबको, ठीक है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल मतलब एक टाइप का साइन वेव होता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऐसा ऐसा साइन वेव होगा, ठीक है, कोई भी साइन वेव को हम लोग इस प्रकार के बिट्स में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। व्हेन एन एनालॉग सिग्नल डिजिटलाइज दिस इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, सपोज ह्यूमन सेंड्स ए वॉइस इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, वी नीड टू डिजिटलाइज द एनालॉग सिग्नल विच इज लेस प्रोन टू नॉइस, ठीक है, इट रिक्वायर ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वैल्यूज इन एनालॉग मैसेज सो दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डिजिटल स्ट्रीम। अभी देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बोया का माइक, ठीक है, बोया कंपनी का एक लेपल माइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी वॉइस को कैप्चर कर रहा है, मेरी वॉइस कैसे आ रही है वो एनालॉग सिग्नल में आ रही है, ठीक है, मेरी वॉइस जो आ रही है एनालॉग सिग्नल में आ रही है, ठीक है, बोया माइक को मैं कंप्यूटर से जोड़ा हूँ, ठीक है, बोया माइक को मैं किससे जोड़ा हूँ, कंप्यूटर से जोड़ के रखा हूँ, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया हूँ मैं एक्सटर्नल साउंड कार्ड, ठीक है, हम लोग के लैपटॉप में जो हम लोग माइक लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डेड वॉइस वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो वो सारे एनालॉग से कन्वर्ट होके डिजिटल फॉर्म पे चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं MP3 फाइल्स की बात करूँ, जो हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, जो वीडियोस में सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो सारे सॉन्ग्स जो होते हैं वो जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो किसी ना किसी डिवाइस से माइक के थ्रू उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं तो गिटार का जो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जो उसमें तार होता है उसको हम लोग लाएंगे तो वो एक एनालॉग सिग्नल पैदा करता है, ठीक है, मतलब वो तरंगे जो होती है उसकी वो एनालॉग सिग्नल होती है, ठीक है, मतलब वो एक वेव टाइप का जनरेट करता है, ठीक है, तभी तो वो पहुंच पाता है, वो वेव को क्या करता है, वो माइक कैप्चर करता है, वो जो भी इंटरफेस से जुड़ा होगा, इंटरफेस मीन्स जैसे कि साउंड कार्ड होता है, ठीक है, साउंड कार्ड देखे कि नहीं देखे सब लोग, पता है कि नहीं पता है,
ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ अलग अलग टाइप के साउंड कार्ड होते हैं, ठीक है, मैं इस टाइप का छोटा सा सस्ता वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऐसा वाला। ठीक है, ये सब कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, पहले साउंड कार्ड लगे होते हैं, ठीक है, इसमें माइक हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है, माइक अटैच करते हैं, और ये देखो ऐसा वाला यूज़ करता हूँ मैं, छोटा वाला कहाँ गया, ये रहा, ऐसा वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो माइक का पोर्ट है, यहाँ मैं अपना माइक लगा दिया हूँ, और इस माइक के थ्रू मैं एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो इसका पॉइंट क्या है, यूएसबी वाला है, ठीक है, यूएसबी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा ही लेता है, ठीक है, यूएसबी जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा ही लेता है, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल में उसको चेंज कर देता है, ठीक है, ये डिवाइस जो है उसमें क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। जितनी भी दुनिया की डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे, मतलब अगर हम लोग वैसी अगर बात करें तो हम लोग जनरली वॉइस का ही सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन करते हैं एनालॉग सिग्नल में। हम लोग यहाँ से ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, रेडियो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, एफएम रेडियो जो हम लोग चलाते हैं वो भी क्या है, कोई ना कोई तो वहाँ से बोलता है, ठीक है, तो जो वहाँ से कोई बोलता है तो वो भी किसी माइक के थ्रू जा रहा होगा, ठीक है, माइक मतलब एनालॉग सिग्नल है, सीधी सीधी बात, एनालॉग सिग्नल से वो डिजिटल कन्वर्ट करके वापस से एनालॉग सिग्नल में भेज रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल प्रोसेस की जाती है, ठीक है, तो प्रोसेस करना है एनालॉग सिग्नल को इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जैसे बहुत पुराने ज़माने की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे रेडियो चलाते, तो वहाँ पे रेडियो में भी वो एनालॉग सिग्नल को ही प्रोसेस करता, वहाँ कॉइल्स लगी होती थी, कोई ट्रांजिस्टर ये सब यूज़ नहीं किया जाते थे, ठीक है। अगर बहुत पुराने ज़माने का अगर ओल्ड रेडियो देखें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ओ विंटेज रेडियो, ठीक है, इस टाइप के बड़े बड़े जो आते थे, ठीक है, देखे हो कभी, ठीक है, आजकल वो कारवां आ गया, वो नहीं है, वो डिजिटल है पूरा, ठीक है, ठीक है, इस टाइप के बड़े बड़े पहले के ज़माने के रेडियो होते थे, ये टोटल एनालॉग पे काम करते थे, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल ही रिसीव करता था, ठीक है, और एनालॉग सिग्नल को ही कन्वर्ट करता था वो किसमें, वॉइस में। इसके अंदर एक पिन होती थी, जैसे जैसे वो पिन को, मतलब सॉरी, जैसे जैसे सिग्नल को वो रिसीव करता था, पिन मूव करते जाता था, एक प्लेट लगी होती थी उस पर मूव करता था, और मैग्नेटिक स्ट्रिप की हेल्प से वो उसमें वॉइस में उसको कन्वर्ट कर देता था, स्पीकर से वहाँ से आवाज़ आने लगती थी, ठीक है। स्पीकर्स में भी क्या होते हैं, वहाँ स्पीकर्स में भी कॉइल लगा होता है, वो मूव होता है, ठीक है, तो उससे वो आवाज़ जनरेट करता है, मतलब फ्रिक्शन होता है उसके थ्रू वो वहाँ पे वॉइस जनरेट करता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो एनालॉग सिग्नल पे होता है, ठीक है। पहले जब हम लोग देखते थे रेडियो, सॉरी दूरदर्शन, हम लोग देखते थे दूरदर्शन भी क्या होता था, वो भी टोटल एनालॉग सिग्नल पे ही काम करता था, ठीक है, घर के ऊपर एंटीना लगा होता था और एंटीना से रिसीव करता था, वहाँ से डायरेक्ट वायर जो है अपने टीवी में लगा होता था, है ना, दो वायरस हम लोग नट से ऐसे कस के लगाते थे उसको, ठीक है, या फिर कोएक्सियल केबल से हम लोग लगाते थे, ठीक है, और जो हमारा टीवी भी है वो क्या करता था, एनालॉग सिग्नल को ही डिस्प्ले करता था, ठीक है, जो पिक्चर ट्यूब जो होती है, जो बड़ी बड़ी टीवी, आजकल की वो स्लिम स्लिम टीवी वाली नहीं, ठीक है, जो बड़ी सी टीवी आती थी, ठीक है, जो सीआरटी टीवी जो हम लोग बोलते थे जिसको, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, तो वो सब टीवीज वगैरह क्या है, एनालॉग सिग्नल को ही प्रोसेस करते थे, उसमें डिजिटल सिग्नल का कोई काम ही नहीं था, ठीक है, जितने भी सर्किट्स वगैरह उसमें लगे रहते हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे रहते हैं, सबके सब एनालॉग पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल की टीवी, आजकल के रेडियोस, ठीक है, या फिर जो वॉइस हम लोग प्रोसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, ठीक है। पहले हम लोग गाने वाने कैसे सुनते थे, या तो हम लोग टीवी में देख लिए, ठीक है, या तो कैसेट रहता था हम लोग के पास, कैसेट में भी क्या रहता था, कैसेट में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी, देखे हो कि नहीं देखे हो पुराने ज़माने का कैसेट,
ठीक है, कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे, इस टाइप का कैसेट आता था, ठीक है, इसमें होती थी मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। इसको भी जब राइट किया जाता था तो यहाँ पे भी क्या होता था, कुछ वेव्स में वो स्टोर होता था, ऐसे ऐसे वेव्स बनती थी, ठीक है। तो उस वेव्स में इसमें सॉन्ग्स को स्टोर किया जाता था या फिर कोई भी वॉइस को स्टोर किया जाता था, ठीक है। उसी को रीड करके वापस से वो स्पीकर में हम लोग को आवाज़ मिलती थी, ठीक है। तो पहले का ज़माना पूरा ऑनलाइन, मतलब सॉरी एनालॉग सिग्नल पे ही काम करते थे, ठीक है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है वो सारे एनालॉग में ही काम करते, ठीक है। अब ये सारे चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब ज़माना आया किसका, कंप्यूटर्स का ज़माना आया। कंप्यूटर ने बोल दिया मैं एनालॉग सिग्नल पे काम नहीं करूँगा, मुझे पावर ज़्यादा लगती है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है, पल्सेस को समझने में, ठीक है, जो उसकी क्लियरिटी होती थी वो उतनी नहीं आ पाती है, ठीक है। जैसे पहले ज़माने के वॉइस क्लियरिटी वगैरह सुनोगे एकदम भद्दा सा सुनने मज़ा नहीं आता था, ठीक है। आजकल के ज़माने के सॉन्ग्स देख लो, ठीक है, आजकल के ज़माने के होम थिएटर्स जो आते हैं, साउंड सिस्टम जो आते हैं, डॉल्बी डिजिटल जो बोलते हैं आजकल, ठीक है, कितनी क्लियरिटी होती है आज के ज़माने में, ठीक है, पिक्चर क्लियरिटी कितनी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग पहले के केबल की बात करें, जो केबल कनेक्शन आता था या दूरदर्शन का जो हम लोग एंटीना से लगाते थे, उसमें ना हम लोग को पिक्चर क्लियरिटी मिलती थी, ना ही हम लोग को ऑडियो क्लियर मिलता था, खर 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 बीच में करते रहता था, ठीक है, ग्रेन्स आते थे उसमें बहुत। लेकिन आजकल की जो टीवी वगैरह चलती है डीटीएच से जो चलता है, ठीक है, तो उसमें एकदम मस्त क्लीन दिखता है हम लोग को, एचडी में हम लोग चैनल देख सकते हैं आज के ज़माने में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, जो उसके अंदर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। अब डीटीएच की अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल सेटअप बॉक्स वहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको। तो डिजिटल सेटअप बॉक्स हम लोग क्यों बोलते हैं उसको, कि वो सैटेलाइट से ऊपर छत में एंटीना लगा होता है गोल सा, देखे हो, एंटीना देखे कि नहीं देखे डीटीएच का, सब लोग है ना, हाँ, एंड छतरी लगी रहती है, ठीक है। तो उस छतरी से वो सैटेलाइट के थ्रू, मतलब एकदम बादल के उस पार सैटेलाइट रहता है, बहुत दूर रहता है, ठीक है, इतना दूर सैटेलाइट उड़ते रहता है और वहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट करते रहता है, ठीक है। वो सिग्नल जो होता है एक एनालॉग सिग्नल होता है, वो एनालॉग सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है और एक छोटा सा डिवाइस लगे रहता है वो उसको कैच करता है, उस वायर के थ्रू उस डिजिटल सेट टॉप बॉक्स तक भेजता है, ठीक है। वो एनालॉग सिग्नल भेजता है और इतना हाई क्वालिटी सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल, कि उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते समय कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। आया समझ में? आजकल देख लेना, आज के ज़माने का अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो जो एयरटेल के सेट टॉप बॉक्स आते हैं, ठीक है, टाटा स्काई के आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जैसे डिस्कवरी चैनल आता है, डिस्कवरी साइंस देख लो या फिर डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफिक, ठीक है, ये सब के सब हम लोग को डॉल्बी डिजिटल 5.1 चैनल के ऑडियो देते हैं। कभी ध्यान देना, नीचे लिखे रहते, एकदम नीचे में लिखे रहेगा डॉल्बी डिजिटल 5.1, ठीक है, एकदम हल्का सा, ठीक है। तो ये सारे जो चैनल्स होते हैं अपनी ऑडियो क्वालिटी भी वैसे ही देते हैं, देखते हैं, देते हैं, ठीक है। तो ये सारे को भी प्रोसेस करना है। अब वहाँ से तो एनालॉग सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से, ठीक है, तो हमारा डिवाइस कितना कंपैटिबल है वो चीज़ को के लिए, ठीक है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल वो चेंज करके प्रोसेस करके हम लोग को टीवी में डिस्प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है। तो आज की डिवाइसेस जो हैं सब के सब 100% डिजिटल सिग्नल पे ही काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की बात कर लें, मोबाइल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, या फिर हम लोग डीटीएच टीवी वगैरह की बात कर लें, ठीक है। अगर मोबाइल की भी बात करूँ तो मोबाइल में भी वही होता है कि हम लोग के घर के आसपास टावर लगे होते हैं, वहाँ से सिग्नल हमारे मोबाइल पे कैच करता है, वो सिग्नल जो होता है एनालॉग सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, एनालॉग सिग्नल जो है बाई एयर ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल बाई एयर ट्रांसमिट नहीं हो सकता। आया समझ में? ठीक
ठीक है, डिजिटल सिग्नल कभी भी, अगर कोई भी पूछता है डिजिटल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, तो बाय वायर, कोई ना कोई उसको मतलब सॉलिड मीडियम चाहिए, ठीक है, तभी वो ट्रांसमिट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को कंप्यूटर में पहले वो टोटल सर्किट रहता है, उसमें सब चीज़ जुड़े रहता है, वहाँ पे आपस में वायर से जुड़े रहता है। ठीक है, सर्किट बने रहते हैं, वो वायर्स ही होते हैं, मतलब उसको हम लोग ऐसे वायर कंसिडर करते हैं और वायर से ही जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग छोटा सा डिवाइस लगा दिए हैं, वो वहीं के वहीं, मतलब मुश्किल से 3-4 सेंटीमीटर की दूर में वहाँ वायरलेस ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल जितने भी होता है वो 100% वायर से ही कनेक्ट होते हैं, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा फास्ट वहाँ पे चल पाता है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर मैं एनालॉग सिग्नल से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँ, वाईफाई लगा दूँ या फिर कोई और हमें सिग्नल वायरलेस में करना चाहता हूँ सारा चीज़, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल जो होता है आज के डिवाइसेस में 100% डिजिटल ही सब चीज़ प्रोसेस होता है, वो ऑडियो की बात करें, वीडियो की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, हर चीज़ यहाँ पे डिजिटल डिजिटल ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वॉइस अभी ठीक है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो भी कैसे जा रही है, माइक के थ्रू जा रही है, और मेरे पास वो साउंड कार्ड लगा हुआ है उसके थ्रू यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे देखो नीचे रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, ये रिकॉर्डर है, यहाँ पे डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए कंटिन्यूस वेव फॉर्म इज कन्वर्टेड इन डिजिटल पल्सेस। ठीक है, डिजिटल पल्सेस में उसको चेंज किया जाता है। अब डिजिटल पल्सेस मतलब 0 और 1 के सीक्वेंस में, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला टेक्निक है पैम। ठीक है, पैम मतलब क्या होगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या होगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, पैम इज ए टेक्निक यूज फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। पैम टेक्निक टेक्स एन एनालॉग सिग्नल, सैम्पल्स इट एंड रीजनरेट्स ए सीरीज ऑफ डिजिटल पल्सेस बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग, वेयर सैम्पलिंग मीन्स मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल एट इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम होगा इसका, यहाँ पे देखो इस टाइप का डायग्राम है और ये बहुत गंदा सा सिग्नल आ रहा है कहीं से। ठीक है, कोई एलियन वगैरह होगा वो भेज रहा है कोई दूसरे प्लैनेट से। ठीक है, कुछ हम लोग को अनइवन टाइप का यहाँ सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, अगर उसको हम लोग डिजिटल कन्वर्ट करें तो इस सिग्नल को इक्वली वो क्या करेगा? सैम्पल करेगा। क्या करेगा? सैम्पलिंग करेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वली सैम्पल किया उसका, या तो एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा, ठीक है, उसको सिग्नल को क्या करेगा? प्रोसेस करके वो थोड़ा बेटर करेगा उसको। ठीक है, ताकि हम लोग का जब डिजिटल में कन्वर्ट हो तो क्वालिटी बेटर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एनालॉग सिग्नल था जो हम लोग को ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसको सैम्पलिंग किया गया। ठीक है, यहाँ पे पैम सिग्नल उसको बोलते हैं हम लोग, इसको सैम्पलिंग किया जाता है, मतलब जो इसकी क्वालिटी होती है उसको सुधारा जाता है, एम्पलीट्यूड जो होता है ठीक है उसका या तो बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, मतलब एक इंटरवल जो होता है इक्वल कर दिया जाता है उसमें। यहाँ पे देखो ठीक है, ये डिस्टेंस देखो यहाँ से बराबर गया हुआ है ऐसा, ठीक है, फिर ये यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, फिर उसके नीचे गया हुआ था यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ कम होगा, फिर यहाँ ज़्यादा होगा, फिर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही सैम्पलिंग किया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इसको डिवाइड करके उसकी सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सिग्नल आया उसका टाइम ज़्यादा है फिर अगले वाले का टाइम कम है, ऐसा नहीं हो। ठीक है, जब भी यहाँ पे कोई भी सैम्पलिंग की जाती है तो उसका टाइम इंटरवल जो होता है वो इक्वल रखा जाता है। ठीक है,
देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे सैम्पलिंग, फिर उसके बाद एनालॉग, ये कोडेक किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ पैम सिग्नलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग की बात किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जिसको हम लोग कोडेक बोलते हैं, ठीक है। अभी कोडेक क्या चीज़ होती है, ये एक प्रकार का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे मान लो ऑडियो वॉइस आया हमारे पास, ठीक है, अब उसको डिजिटल कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बनाएगा, लास्ट में एक फाइल बनाएगा हमारे पास, ठीक है। या तो वेव फाइल होगी, ठीक है, या तो MPG फाइल होगी, ठीक है, या तो वो MP3 फाइल होगी, ठीक है। तो ये कोडेक मतलब फॉर्मेट होता है कि वो किस फॉर्मेट में हमारे पास सेव हो रहा है, ठीक है। अब उस फॉर्मेट को अगर हम लोग रन करेंगे तो इस प्रकार से वहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई डिजिटल पल्सेस मिलेंगे, ये सारे 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। 0 और 1 के सीक्वेंस में हम लोग को उसमें मिल जाएगा, क्लियर है। ठीक है, पैम समझ में आया, ठीक है। इस टाइप का सिग्नल आएगा, उसको सैम्पलिंग करेगा और उसके बाद कोडेक में चेंज कर देगा, मतलब कोडेक अप्लाई करके उसमें, कोडेक मीन्स उसका एक फॉर्मेट जनरेट करता है वो, ठीक है, और हम लोग को डिजिटल सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं, बहुत इजी सिग्नल होता है, सब चीज़ पहले से मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। फिर देन आता है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। PCM टेक्निक इज़ यूज टू मॉडिफाई द पल्सेस क्रिएटेड बाई पैम टू फॉर्म ए डिजिटल सिग्नल, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग को सिग्नल मिला है पैम, ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करता है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टू अचीव दिस PCM क्वांटाइज पैम पल्सेस, क्वांटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इंटीग्रल वैल्यूज इन ए स्पेसिफिक रेंज टू सैम्पल्ड इंस्टेंसेस, ठीक है। जो यहाँ पे सैम्पलिंग हो चुकी है, ठीक है, इसको वो क्या करेगा, इंटीग्रल वैल्यूज में असाइन करेगा, ठीक है। और उसको कहाँ असाइन करेगा, जो भी सैम्पल इंस्टेंसेस होंगे, मतलब ये जो सैम्पलिंग की गई है इस पे वो अप्लाई करता है, ठीक है, जो इंटीग्रल वैल्यूज होगी उसको, ठीक है। PCM इज मेड ऑफ 4 सेपरेट प्रोसेसेस, पैम, क्वांटाइजेशन, बाइनरी एनकोडिंग एंड डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग, ठीक है। पैम जनरेट होगा, क्वांटाइजेशन होगा, मतलब वहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज़ को पुट करेगा या फिर सैम्पल करेगा, ठीक है। देन उसके बाद बाइनरी एनकोडिंग होगी, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में, देन उसके बाद उसकी डिजिटल एनकोडिंग की जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग कोडेक बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ, अब यहाँ पे क्वांटाइज पैम सिग्नल की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइप का डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज़, ठीक है, +24, +38, फिर 48, फिर 39 हो गया, +26 हो गया, ठीक है, -15, -80, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ बनता है, ग्राफ के थ्रू ये वैल्यूज़ होती है, इस वैल्यूज़ के थ्रू ही वो डिजिटल बाइनरी, जो बाइनरी फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसमें चेंज करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे जो बाइनरी एनकोडिंग की हम लोग बात किए हैं उसमें वो चेंज करेगा इस सिग्नल को, ठीक है। देन उसके बाद डिजिटल टू डिजिटल चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ऐसे उसको वैल्यूज़ को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी वैल्यूज़ को वो 0 और 1 के सीक्वेंस में चेंज कर देगा, ठीक है, आया समझ में। और यहाँ से ट्रांसफ़र करते जाएगा उसको, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक्सेस कहाँ से होगा, 0 0 0 1 1 1, इस टाइप से एक्सेस होते जाएगा वो, ठीक है, आया समझ में। ये तो दो चीज़ें होंगी, पैम होगा और PCM होगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और PCM मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये DT और एक DC होता है, ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और
डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, क्लियर? अभी तक समझ में आया कैसे हम लोग एनालॉग टू डिजिटल चेंज करते हैं और एनालॉग टू सॉरी डिजिटल टू डिजिटल चेंज करते हैं? समझ में आया? किसी कुछ डाउट है? किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।